हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है, क्या ओपन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज की डिग्री में कोई डिफरेंस होता है, क्या कोई फर्क होता है। मैं आपको लाइव डिग्री दिखाऊंगा, अपनी भी डिग्री दिखाऊंगा और आपको वो भी दिखाऊंगा जो डी यू एस ओ एल से मिलती है। तो जो डी यू एस ओ एल से बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और जो रेगुलर से करते हैं, क्या उनकी जो फाइनली जो डिग्री आती है ग्रेजुएशन के बाद, उसमें कोई अंतर होता है? अगर होता है तो वो क्या होता है? क्या एस ओ एल की डिग्री की वैल्यू भी उतनी ही होती है जितनी रेगुलर की होती है? तो इन सभी बातों पर हम अंदर बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप आके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपनी रेगुलर की डिग्री। मैंने 2022 में हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। बीए मेरा कोर्स था और आप देख सकते हो सबसे टॉप पे एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, जो कि प्राइवेसी रीजन से मैंने ब्लर कर रखा है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखा होगा, बड़ा बड़ा लोगो होगा यूनिवर्सिटी का। एंड लिखा होता है कि प्रमाणित किया जाता है सन 2022 में परीक्षा के उपरांत कला स्नातक की उपाधि के योग्य सिद्ध होने पर सचिन सुपुत्र राम सिंह को ये जो है दीक्षांत समारोह में ये उपाधि दी गई। यानी कि ये जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई और उसके बाद जो है ये डिग्री अवार्ड की जाती है। तो मैंने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन की थी हिंदू कॉलेज से और बीए मेरा कोर्स था। एंड ये सिंपल सा लिखा होता है, डिवीज़न लिखी होती है जो कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी। एंड उसके बाद साइन होते हैं, क्यूआर कोड होता है, बार कोड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी डिग्री दिखती है और इसमें कहीं भी कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता। ये जो डिग्री का कवर होता है ऊपर, उसके ऊपर हो सकता है आपका कॉलेज का नाम लिखा हो, अगर आपका कॉलेज आपको कवर में डिग्री डाल के देता है, या ऐसे भी सर्टिफिकेट पकड़ा सकते हैं आपको। तो कहीं भी कॉलेज का नाम मेंशन नहीं होता, ये चीज़ आप याद रख लेना। आप किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएशन करो डीयू में, आपके कॉलेज का नाम डिग्री पे नहीं लिखा आता कहीं भी। ए सिंगल वर्ड इज नॉट मेंशन इन योर डिग्री कि कहाँ से आप करके आ रहे हो। तो ये रेगुलर की डिग्री देख ली आपने, ये एस ओ एल की डिग्री है। आप खुद देख के बता दो, आपको इतना सा भी डिफरेंस दिख रहा है? भाई वही एनरोलमेंट नंबर, वही रोल नंबर, वही बड़ा बड़ा डीयू लिखा हुआ, वही कोर्स का नाम, सेम टू सेम लाइन वही लिखी हुई है, और डिवीजन भी वही लिखी हुई है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो एनरोलमेंट नंबर होता है ना एस ओ एल के स्टूडेंट्स का, उसके आगे लिखा होता है, ठीक है, कि मतलब ये जो है एस ओ एल जरूर लिखा होगा स्टार्टिंग में ही, कि आपका कौन से ईयर में एडमिशन हुआ था, उसके लास्ट टू डिजिट जो है टू डिजिट्स होंगे और उसके बाद एस ओ एल लिखा होगा। मान लो इस बच्चे ने 17 से 19 तक, 2017, 18, 19 3 साल की ग्रेजुएशन करी है, तो इसका जो एनरोलमेंट नंबर है वो 17 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2017 का लास्ट टू डिजिट यही है, फिर एस ओ एल लिखा हुआ है। और ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी डिग्री दिखती है, ठीक है, कि एस ओ एल बस लिखा होता है, यहीं से पता चलता है कि ये एस ओ एल वाला बच्चा है एनरोलमेंट नंबर में, और पूरी डिग्री सेम होती है। अब बात करें कि क्या कोई भाई फर्क पड़ता है कि रेगुलर या ओपन में, भाई देखो दोनों की डिग्री सेम है, दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली है। एस ओ एल कोई अलग से यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही सेंटर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो डिग्री आएगी वो भाई डी यू के नाम पर ही आएगी, तो डिग्री सेम होगी, कोई फर्क नहीं होगा। अब कहाँ पे ये चीज़ मैटर करेगी, तो देखो गवर्नमेंट जॉब में आप कहीं भी चले जाओ आपको बराबर की वैल्यू मिलेगी, बट अगर आप प्राइवेट कहीं जाते हो तो भाई वहाँ पे तो उसको पता चल ही जाएगा ना आपका सीवी देख कर कि आप कहाँ से करके आ रहे हो अपनी ग्रेजुएशन। तो वहाँ पे प्राइवेट जो कंपनियाँ होती हैं भाई, वो थोड़ी वैल्यू ज़्यादा देते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को। वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉई थोड़े से रेगुलर जो है कॉलेज में पढ़े हुए हों, और बस वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन वहीं होता है प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में या जो गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऐसा एज सच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आपके साथ बराबर की वैल्यू है। कोई भी अगर आपको कहता है कि इसकी वैल्यू नहीं है डिग्री की, तो उसको आप ये दिखा देना जाके दोनों डिग्री सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। ये इंडिया का नंबर वन कॉलेज है कोएड में, हिंदू कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है, ये डिग्री दिखा देना और साथ में एस ओ एल की दिखा देना, कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी, ठीक है, सब सेम होता है। पहचानने के लिए आपको बता दिया एस ओ एल लिखा होता है एनरोलमेंट नंबर पे, बस। तो ये आज की ये वीडियो थी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय